नमस्कार साथियों, हम आए हैं बुलेट के शोरूम मछली शहर जौनपुर। इस शोरूम पर जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं, तीन गाड़ियां खड़ी हैं, हम बारी बारी से तीनों का रिव्यू करने चल रहे हैं। आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये देखिए, आपके सामने खड़ी है बुलेट स्टैंडर, यही वह गाड़ी है जिसने रॉयल एनफील्ड को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह गाड़ी आप देखेंगे सामने से, इसका लुक रेट्रो लुक, हेडलाइट के सामने ऊपर से लाइट को रोकने के लिए फ्लैपर लगा हुआ है, और सामने का व्हील देखिए आप, इसमें जो है 3/25/18 का टायर लगा है। इसकी इंडिकेटर लाइट जो है व्हाइट कलर में है, और ये इसका फ्रंट व्हील और बैक व्हील दोनों जो है स्टील रिम में है। गाड़ी पुराने रेट्रो लुक में, यही एक मॉडल है जिसमें आज तक रॉयल एनफील्ड ने कोई चेंजिंग नहीं की। आप देखिए वही हैंड डिजाइन टैंक, बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत। यही गाड़ी ऐसी है जिसमें अब किक आ रही है, बाकी रॉयल एनफील्ड के सभी मॉडल में किक स्टार्ट बंद हो गया है। ये देखिए आप, इस गाड़ी में किक आती है, किक से स्टार्ट होती है। ये स्टैंडर्ड मॉडल, इसमें सेल्फ नहीं आता है। यूसी इंजन के साथ यही गाड़ी अब आ रही है। बाकी गाड़ियों में आपको देखेंगे तो ये वाला जे सीरीज का इंजन आने लगा है, पर ये किक स्टार्ट की वजह से इसमें यही एक गाड़ी है जिसमें किक स्टार्ट आती है। EFI सिस्टम की गाड़ी है। बुलेट का लुक, शानदार लुक, कैटलिटिक कन्वर्टर यहाँ पर सामने भी लगा हुआ है, और इस गाड़ी में लंबी वाली सीट, साइलेंसर कंपनी जो है भारत सरकार के मानक के अनुसार बनाती है ताकि ध्वनि प्रदूषण ना हो। ब्रेक जो है ड्रम सिस्टम है इस गाड़ी में। पीछे भी लुक कुछ इस प्रकार से है, रॉयल एनफील्ड की बैजिंग। और इधर आप देख सकते हैं साइड से जाली लगी हुई है ताकि लेडी राइडर बैठे तो उनके कपड़े ना फंसे। पैनल पर बुलेट की मार्किंग, टैंक बिल्कुल खूबसूरत वही पुराने रेट्रो लुक में, साइड ग्लास इसमें ब्लैक कलर के हैं। गाड़ी का मीटर कुछ इस टाइप का है। अब हम आपको दिखाएंगे दूसरी गाड़ी, जो कि आप क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे है। सामने से इसका हेडलाइट बिल्कुल प्लेन टाइप का है, हैलोजन लैंप, शानदार हैलोजन लैंप। और इसका आप देखेंगे आगे की साफ गुजारों के पाइप थोड़ा मोटे कर दिए गए हैं, जिससे गाड़ी का लुक थोड़ा बल्की लुक आता है और बहुत खूबसूरत लगती है गाड़ी। ये गाड़ी कन्वर्टल ग्रे कलर में है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और इस गाड़ी में जे सीरीज का इंजन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी में किक नहीं है, ओनली सेल्फ स्टार्ट है, केवल इलेक्ट्रिक स्टार्ट है गाड़ी, सेल्फ नहीं है। और गाड़ी का टैंक देखिए आप, बहुत खूबसूरत ग्रे कलर में। गाड़ी सामने से देखेंगे तो यह गाड़ी अलॉय व्हील डुअल चैनल ABS में है। वाइब्री के ब्रेक्स लगे हैं, आप देख सकते हैं वाइब्री के ब्रेक्स लगे हैं। गाड़ी देखने में बहुत ही खूबसूरत है। 10 स्पोक्स के अलॉय व्हील हैं और ट्यूबलेस टायर हैं, जो कि 180/19 के टायर हैं। गाड़ी बहुत ही मजबूत, बहुत खूबसूरत। अब आप इसका इंजन देखिए, और इसमें यूसी इंजन नहीं है, जे सीरीज का इंजन है, जो कि काफ़ी तगड़ा इंजन है। ये भी गाड़ी EFI है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल सिस्टम है। गाड़ी में कार्बोरेटर नहीं है, EFI सिस्टम है। इसके टैंक में ही इलेक्ट्रॉनिक पंप लगा हुआ होता है, जो पेट्रोल की सप्लाई इंजन को देता है। जैसे ही आप चाबी ऑन करते हैं, पंप अपना काम करना शुरू कर देता है। बहुत बल्की लुक है इस गाड़ी में। चेचिस आप देखेंगे दो पाइपों के साथ है, दो पाइप से, जिसकी वजह से इस गाड़ी में वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर बैंड पाइप देखेंगे, बिल्कुल सीधा बैंड पाइप लगा है। इसमें कैटलिटिक कन्वर्टर जो है यहाँ पर नीचे की साइड है, जो दिखाई नहीं देता, जिससे अच्छा लगता है, गाड़ी का लुक थोड़ा सा और शानदार दिखाई पड़ता है। और नीचे वाले ब्रेक जो थे ऊंचे रास्तों पर फंसते थे, इसलिए ब्रेक थोड़ा ऊपर कर दिया गया है। और सीट जो है अलग अलग सीट है। पहले जो क्लासिक में यहाँ स्प्रिंग आती थी, वो स्प्रिंग गायब है,
उसको आपको मार्केट से लेके लगवाना पड़ेगा, तो 1200 के आसपास आती है। पीछे भी वही 10 स्पोक सिलाई व्हील है और गाड़ी के पैनल का कम्बिनेशन बनाए रखने के लिए इसके स्पोक इसके व्हील पर भी जो है अलॉय व्हील पर भी नीले कलर का ब्लैक में कम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सीएट के ट्यूबलेस टायर लगे हुए हैं, गाड़ी का लुक बहुत शानदार। पीछे की हेडलाइट पहले से कुछ चेंज कर दी गई है। यहाँ मरघट के ऊपर रॉयल एनफील्ड की बैजिंग है, साड़ी गार्ड लगा हुआ है। गाड़ी लेफ्ट तरफ से कुछ इस तरह से दिखती है, बहुत ही शानदार गाड़ी। और इसका मीटर का लुक कुछ इस प्रकार से है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, डिजिटल काउंटिंग शो है। यहाँ पर एक नेविगेशन स्विच खाली है, आप लगवा सकते हैं। सेल्फ स्टार्ट में है, इसके सेल्फ की कुछ चेंज कर दिए हैं, इधर से सेल्फ लगता है। गाड़ी बहुत ही शानदार है, सेम वही गाड़ी क्लासिक 350 आपके स्टील्थ ब्लैक कलर में सामने खड़ी है। आजकल के युवाओं द्वारा बहुत ही पसंद की जाने वाली रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कलर स्टील्थ ब्लैक। इसका पैनल आप देखेंगे ब्लैक कलर पर सिल्वर और रेड का कम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। इंजन जे सीरीज का वही, इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है गाड़ी में, बहुत साइलेंट चलती है गाड़ी। आगे का हेडलाइट इंडिकेटर पहले से थोड़ा छोटे साइज के हैं, बट देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें भी आप देखेंगे वही वाइब्री के ब्रेक है, डुअल चैनल एबीएस आगे पीछे दोनों तरफ, जे सीरीज इंजन, ओनली इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक नहीं है। गाड़ी देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। शोरूम पर जो भी गाड़ियां खड़ी हैं बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, आपको जो भी गाड़ी लेनी हो, जो भी आपको पसंद हो, आकर के ले सकते हैं। यहां डीलरशिप के काउंटर पर बैठते हैं विश्वकर्मा जी का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, बहुत व्यवहार कुशल है। गाड़ियां वाजिब रेट पर आपको मिल जाती हैं और आफ्टर डिलीवरी सर्विस की सुविधा बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आइए और यहाँ से गाड़ियाँ लीजिए।